हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन की एक टाइप पे, जिसका नाम है डाइक्रोमेट्री। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डाइक्रोमेट्री के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइक्रोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डाइक्रो और मिट्री। सबसे पहले मैं बताता हूँ, डाइक्रो का मतलब होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से आया डाइक्रो। और मिट्री का मतलब होता है मेजर करना, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के थ्रू हम जिस कंपाउंड को मेजर करते हैं तो उस टाइट्रेशन को बोला जाता है डाइक्रोमेट्री। ठीक है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके किसी कंपाउंड को एस्टिमेट करना, उसकी प्योरिटी डिटरमाइन करना ही कहलाता है डाइक्रोमेट्री। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इजी और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर हालांकि होता क्या है। देखिए, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, बेसिकली वो एसिडिक कंडीशन में की जाती है। किसमें? एसिडिक कंडीशन में की जाती है। जैसे ब्रोमोमेट्री हम एसिडिक कंडीशन में कर रहे थे, यहाँ डाइक्रोमेट्री भी हम एसिडिक कंडीशन में ही करते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जिन कंपाउंड्स को हम डिटरमाइन करते हैं, जिनका ऐसे लगाते हैं, तो उसमें दो हैं, एक है फेरस और एक है आयोडाइड। बेसिकली हम डाइक्रोमेट्री का यूज फेरस और आयोडाइड कंपाउंड के एस्टिमेशन में ज्यादातर इसका यूज होता है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं डायरेक्ट और इसका थोड़ा प्रिंसिपल समझते हैं। तो पहले मैं आपको टाइट्रेशन के बारे में समझाऊंगा, और यहाँ पर जो हमारी एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो घटित हो रही है, जो घटना घट रही है, उसी को मैं रिएक्शन के थ्रू भी समझाऊंगा। तो आपको दोनों को आप इजिली रिलेट कर पाएंगे और इजिली समझ पाएंगे। ठीक होगी बात। तो हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अपने ब्यूरेट के अंदर भर दिया है, और ब्यूरेट के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर बनाया है, HCl, H2SO4 कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हमने प्रिपरेशन कर दी है। तो ये एसिडिक सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन हो चुकी है। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम सोल्यूशन बनाएंगे, एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 टूट जाएगा K2 में और Cr2O7 माइनस में। ठीक हो गई बात। Cr2O7 माइनस के अंदर ये टूट चुका है। यहाँ पर जो हमारा ये जो क्रोमियम है, इसे बोलेंगे हम क्रोमेट आयन, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +6। याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +6, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसको हम बोलेंगे क्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे हम? क्रोमेट आयन। क्लियर हो गया बात। मैंने अभी क्रोमियम वर्ड यूज किया था, ये होगा +6 वाला, इट इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद का रिडक्शन करता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा K2Cr2O7 है, जिसमें से हमारा जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ये है Cr2O7। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये K2 तो पॉजिटिव होकर पहले ही अलग हो चुका है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ये करने वाले हैं भाई साहब Cr2O7, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6, और इनको हम बोल रहे हैं क्रोमेट आयन, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन होता है, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा ईजी और सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझने में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है, यहां मैंने लिखा हुआ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन की गेनिंग होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गई बात। रिडक्शन का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन नंबर नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ गिरता है, कम होता है, उसे बोला जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये आप ये शॉर्ट नोट बना लीजिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। या आप एक चीज याद कर लो, ऑक्सीडेशन याद कर लोगे तो रिडक्शन को उसको उल्टा कर लेना, या रिडक्शन याद कर लो और ऑक्सीडेशन को उसका उल्टा कर लो। क्लियर हो गई बात। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस यहां पर चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्यूरेट के अंदर मैंने K2Cr2O7 जो कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने प्रिपरेशन बनाई है, वो ब्यूरेट के अंदर भर दिया है। एनालाइट है मेरा Fe+2। तो यहां पर मैं फेरस कंपाउंड को डिटरमाइन कर रहा हूं, इट इज Fe+2। ठीक है, ये फेरस फॉर्म में, अभी अंदर का देखना मत, अभी ये देखिए Fe+2 फॉर्म में मेरा एनालाइट है, ये से हम बोलेंगे हम फेरस आयन, और ऊपर है क्रोमेट आयन। ठीक है, तो यहां पर है मेरा Fe+2 इज कॉल्ड एनालाइट, और ये है Cr2O7, ये मेरा क्रोमेट आयन है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन किसका करेगा? ये हमारे एनालाइट का, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन इसका खुद का होगा, मतलब एनालाइट जो है मेरा, ये जो फेरस आयन है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ये जो एनालाइट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है,
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है और उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसने किसका रिडक्शन करा, K2Cr2O7 का, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, ये जो है K2Cr2O7 इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो हमारा फेरस आयन है वो हमारे जो हमारा क्रोमेट आयन है इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इस टाइट्रेशन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में ही होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर क्या होगा, Fe+2 जो होगा ना वो Fe+3 में हो जाएगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फेरस आयन से फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो क्रोमेट आयन है Cr+6, जो +6 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये क्रोमेट आयन जो होगा वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो Fe+2 जो कि फेरस था वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया, और Cr+6 जो कि क्रोमेट आयन था वो Cr+3 में कन्वर्ट हुआ, मतलब क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है? तो जैसे ही Fe+2, Fe+3 मतलब फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट होता है और क्रोमेट क्रोमियम में कन्वर्ट होता है, वैसे ही हमारी जो रिएक्शन होती है ना वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली तो जो हमारा एनालाइट है, जितना ज़्यादा एनालाइट होगा उतना ज़्यादा ही हमको Fe+3 मतलब फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करना है, इसमें तो यही हो रहा है। तो यहाँ पर जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी कलर ग्रीन से वॉयलेट हो जाएगा। क्लियर हो गई आपको बात? ये ग्रीन से वॉयलेट हो जाएगा और वो हमारा एंड पॉइंट होगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं टाइट्रेशन के अंदर वो मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने 3 टाइप के इंडिकेटर हैं जो यूज किए जाते हैं। एक है डाइफिनाइल अमीन बेंजीडीन और डाइफिनाइल अमीन सल्फोनेट। ये 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो इस रिएक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं या डाइक्रोमेट्री के अंदर यूज किए जाते हैं, और इसका जो एंड पॉइंट होता है उसमें ग्रीन से हमको वॉयलेट कलर मिलता है। ठीक होगी बात? तो यहां पर हमने क्या करा कि क्रोमेट को क्रोमियम में कन्वर्ट किया और फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एनालाइट होता है वो पहले फेरस फॉर्म के अंदर होता है और उसको हम पूरा न्यूट्रलाइज करके फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हुआ, मतलब +2 से +3, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है। देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सीधी सी बात है इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसने इसका ऑक्सीडेशन करा है। और यहाँ पर Cr+6 था तो Cr+3 हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो ये हो गया रिडक्शन, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन हुआ है, Fe+2 ने इसका रिडक्शन किया तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और क्रोमियम ने इसका ऑक्सीडेशन किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है जहां पर हम जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके थ्रू हम किसी कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं, या सीधे साधे शब्दों में बोलें तो हम यहाँ पर क्रोमेट को क्रोमियम में कन्वर्ट करते हैं, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका खुद का रिडक्शन होता है और ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। और यहाँ पर जो हमारा एनालाइट होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो हमारे क्रोमियम का जो हमारा क्रोमेट आयन है इसका क्या करता है, रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमने बात करी पोटेशियम डाइक्रोमेट्री की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर के ऊपर। यहाँ पर इंडिकेटर के अंदर जो कलर चेंज होता है, मतलब ग्रीन से हम जो वॉयलेट कलर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर जो होता है वो भी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब पहले जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे फेरस आयन का होता है और वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब पूरा फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हमारा इंडिकेटर जो होता है वो भी ऑक्सीडाइज होता है और फिर कलर देता है। तो मतलब यहाँ पर हमारे इंडिकेटर का भी ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी चीज़, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो K2Cr2O7 है, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसके अलावा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि K2Cr2O7 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज़ कॉल्ड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है बेसिकली वो K2Cr2O7 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट कई जगह और कई रीज़न की वजह से आज K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर में भी स्टेबल होता है, यहाँ तक कि अगर आप सनलाइट में भी अगर K2Cr2O7 के सॉल्यूशन को रख दोगे तो वहाँ पर ये भी ये काफ़ी दिनों तक स्टेबल बना हुआ रहता है। उसके अलावा प्यूरिटी, मार्केट के अंदर कई पोटेशियम परमैंगनेट के वर्जन अवेलेबल हैं और काफ़ी दिनों तक जब पोटेशियम परमैंगनेट स्टोर्ड कंडीशन के अंदर रहता है तो उसके अंदर इम्प्यूरिटी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से वो डिग्रेड होने लग जाता है, उससे हमारे जो टाइट्रेशन के जो रिजल्ट होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें
टू सी आर टू ओ सेवन की, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये मार्केट के अंदर भले कितने वर्जन के अंदर अवेलेबल हो बट ये प्योर होता है। साथ ही साथ जब हम इसको हमारी जो लैब है उसमें भी हम बहुत दिनों तक इसको स्टोर करके रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर, तब भी इसकी प्योरिटी जो होती है वो बनी हुई रहती है। इस वजह से K2O CR2O7 केमेनो 4 की तुलना में कम, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन रेट है या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है केमेनो 4 के मुकाबले, फिर भी K2 CR2O7 का यूज़ केमेनो 4 से ज़्यादा किया जाता है बिकॉज ऑफ इस स्टेबिलिटी और प्यूरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है कि K2 CR2O7 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब वो एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है, उसकी वजह से कई इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाता है फिर बाद में कम भी हो जाता है। और यहाँ जो एसिडिक जो हम कंडीशन इसलिए मेंटेन करते हैं जिससे हमको ग्रीन से जो वॉयलेट कलर जो हमको मिल रहा है वो शार्प मिले, और इसलिए हम इसको मतलब रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है उसको हम इजिली डिटेक्ट कर पाएं, इसीलिए यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम के अंदर K2 CR2O7 का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहीं पे हम अपना डाइक्रोमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है कोई क्यूरी है बट कमेंट्स बॉक्स में, कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।